हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी सलोनी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप साड़ी पे मेकअप कैसे कर सकते हो या ट्रेडिशनल लुक कैसे अचीव कर सकते हो। तो ये है ट्रेडिशनल लुक और ये लुक है फर्स्ट लुक, और सेकंड लुक आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक देखना, एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर बेल आइकन। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को प्राइम करने के लिए ब्लू हेवन का फेस प्राइमर ले रही हूँ और उसे मैं पूरे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। फेस को प्राइम करने से ये बेनिफिट होता है कि हमारा फाउंडेशन बिल्कुल स्मूथ दिखेगा एंड केकी पैची नहीं दिखेगा, इसलिए प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड हमारे स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है प्राइमर। जो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ADS का आईब्रो पाउडर और उससे मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी और एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं फिल कर रही हूँ। बिल्कुल नेचुरल वे में मैं अपने आईब्रो को फिल करूंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मैबलिन फिटमी का कंसीलर और इससे मैं अपने आईब्रो को क्लीन करूंगी एंड अपने पूरे आईलेट्स पे अप्लाई करूंगी और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मिस क्लेयर का आई शैडो पैलेट और आपको जहाँ पे ट्रिक दिख रहा है रेड कलर का, उस आई शैडो को मैं ले रही हूँ, व्हाइट आई शैडो को ले रही हूँ और अपने पूरे आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मरून शेड और उसे मैं अपने आउटर वी एंड इनर वी पे थोड़ा सा ब्लेंड कर प्लेस करते हुए ब्लेंड करूँगी एंड क्रीज लाइन में भी थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी एंड सेंटर पार्ट को मैंने छोड़ दिया है। हमें आउटर व्यू पे एंड इनर व्यू पे फोकस करते हुए ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मैबलिन फिटमी का कंसीलर और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने मिडल आईलेट्स पे अप्लाई करूँगी, जहाँ पे मैंने आई शैडो अप्लाई नहीं करा था वहाँ पे, एंड सेम ब्रश से मैं अपने आईब्रो को क्लीन कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ गोल्डन शैडो और उसे मैं अपने मिडिल आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी, जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई करा था वहाँ पे, एंड फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ एंड एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने क्रीज को एंड आउटर व्यू पे फोकस करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड सेम शैडो को मैं नीचे लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ लैक्मे का लिक्विड आई लाइनर और उससे एक स्मॉल सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, ज़्यादा बड़ा मैं विंग नहीं लूँगी, छोटा सा स्मॉल सा विंग ड्रॉ करूँगी। और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और थिन भी नहीं करना है, मीडियम रखना है हमें। और फिर से मैं उस कॉपर सेट को, मरून सेट को अपने लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा आइज थोड़ा डिफाइन दिखे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मियोन का मस्कारा और उसे मैं अपने आई लेसेस को कोट करूँगी और यहाँ पे मैं फेक लेसेस नहीं यूज़ करूँगी और लोअर लेस लाइन पे भी हमें मस्कारा अप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मैबलिन फिटमी का फाउंडेशन एंड ये फाउंडेशन है इन दिस सेट 130 और इसे मैं पूरे अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी एंड वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो एज यू कैन सी, नेक को भी मैं यहाँ पे स्किप नहीं कर रही हूँ, अपने नेक को भी कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं फिर से वही ले रही हूँ मैबलिन फिटमी का कंसीलर और उसे मैं अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई करूँगी एंड डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे मेरा फेस हाईलाइट चाहिए वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड अगेन एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो इससे आपका फेस हाईलाइट होता है और बहुत अच्छा लुक आता है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मैबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट और उससे मैं अपने फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट कर लूँगी।
एंड वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, अगर ज़्यादा लंबा करूँगी वीडियो तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है। नेक्स्ट मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ थोड़ा सा, अपने नोज़ को स्लिम दिखाने के लिए, एंड उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मिस क्लेयर का ब्लश पैलेट, और उसमें से मैं सेकेंड वन शेड ले रही हूँ, और उसे मैं अपने चिक पे अप्लाई करूँगी स्माइली फेस बना के। इससे आप ब्लश बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, एंड जो भी एक्स्ट्रा है आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हाईलाइटर, और इस हाईलाइटर को मैंने लोकल मार्केट से लिया था, सो इसका कोई नाम वगैरह नहीं है, बट बहुत अच्छा हाईलाइटर है। सो इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ पे मुझे मेरा फेस हाईलाइट चाहिए। इन कलर का लिप लाइनर एंड ब्लू मेलिन का लिपस्टिक इन द शेड रेड, और उसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी। एंड आँखों पे हमारे लाइट मेकअप है इसलिए मैं लिप्स पे थोड़ा डार्क जा रही हूँ, एंड अभी आप देख सकते हो मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन, एंड अपने ओपिनियन भी शेयर करना आपको कौन सा लुक अच्छा लगा, लुक फर्स्ट या लुक सेकेंड। सो यस, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।